नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सौरभ इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज हम आपको ये बोर्ड बनाना बताऊंगा, जिसमें देखिए आपका ये आपका 6 एम्पियर सॉकेट है, ये आपके 6 एम्पियर की स्विच है, ये आपका 16 एम्पियर का सॉकेट और ये आपकी 20 एम्पियर की स्विच, एक रेगुलेटर और एक आपका 2 पिन सॉकेट, बाकी ये आपके 4, ये देखिए बल्ब 1 2 3 4, 4 होल्डर का हम कनेक्शन 1 2 3 4 बटन से करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाकी आपका ये आपका सॉकेट इस स्विच से रहेगा, ये सॉकेट इस स्विच से रहेगा, ये आपका रेगुलेटर पंखा वाला आपका ये बटन रहेगा। चलिए दोस्तों हम फटाफट इसमें कनेक्शन करते हैं, फटाफट हम इनके पेज खोल लेते हैं। जब तक हम इनके पेज खोल लें तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए नीचे लिखा होगा सौरभ इलेक्ट्रिकल्स, उस पर आप क्लिक करेंगे तो साइड में बेल आइकन बनकर आ जाएगी, उस पर अभी आप क्लिक कर लीजिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतना बड़ा एक तार का टुकड़ा लेंगे, इसको हम इस तरीके से नाप लेंगे, ऐसे करके नाप कर और इसको हम छील लेंगे, इसको हम कटर की मदद से छील लेंगे। ये सब हमने छील लिया है इसलिए कि अगर वीडियो में छीलेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा और वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये देखिए आप दोस्तों स्विच के ये नीचे वाले टर्मिनल में हम इसको यहाँ से इस तरीके से ये तार को डाल लेंगे, इस तरीके से ये देखिए हमने स्विच के नीचे वाले में सभी में हमने इसको डाल लिया और इसको डालने के बाद इसको हम अच्छे से कस देंगे। ये देखिए दोस्तों इसके बाद इसी को हम तार को इधर भी छील लेंगे, इसको हम इस स्विच के नीचे वाले में यहाँ से इस तरीके से इसको हम डाल लेंगे। ये देखिए हमारे इसमें सभी में आ गया, अब हम इसको भी अच्छे से कस देंगे। ये देखिए हमने इसको कस लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक इतना बड़ा टुकड़ा लेंगे और एक इतना बड़ा लेंगे, ये सब हमने नाप के काट काट के रख लिए क्योंकि वीडियो में काटेंगे वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसको हम ऊपर वाले में लगा देंगे और इसको हम अच्छे से पेंच से कस देंगे और इसको हम ये देखिए आपके सॉकेट के एक टर्मिनल पर इसको हम लगा देंगे दिया। इसी तरीके से हम इस वाले पर भी यहाँ पर लगा देंगे और इसको भी हम अच्छे से इस पर ये वाले सॉकेट के एक टर्मिनल पर लगा देंगे। अब एक इतने बड़े तार को और लेंगे, वो हम इसके देखिए 2 पिन सॉकेट के एक टर्मिनल पर लगाकर इसको हम कस देंगे और ये 2 पिन सॉकेट को हम इस स्विच से करेंगे तो इसके हम ऊपर वाले पर इसको हम लगा देंगे। ये देखिए इसके हमने ऊपर वाले पर 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन कर दिया, ये देखिए ये हमने इस पर कर दिया और इसको हमने लगा दिया। अब आप ये देखिए ये हमारा फ़ैन का है, ये रेगुलेटर के 2 वायर हैं तो एक वायर को हम ये देखिए स्विच के ऊपर वाले में यहाँ पर लगा देंगे, इस तरीके से इसमें लगा देंगे। अब आप ये देखिए 1 2 3 1 4, 4 बटन आपके खाली, तो ये हम 4 होल्डर जो रखे हमारे पास 1 2 3 4, इन चारों होल्डरों का कनेक्शन इसमें करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए दोस्तों ये होल्डर में 2 वायर आए हैं, इस होल्डर में 2 वायर आए हैं, इस होल्डर में 2 वायर आए हैं और इस होल्डर में 2 वायर आए हैं, तो हम एक वायर ये पीले वायर मतलब कहने का एक होल्डर से इस होल्डर से एक वायर को ले लेंगे, इसको एक वायर को लेंगे और ये स्विच के ऊपर वाले में लगा देंगे। ये देखिए एक वायर को स्विच के ऊपर वाले में लगा देंगे और इस वाले होल्डर का देखिए हम एक वायर को ले लेंगे, इसको हम स्विच के ऊपर वाले में लगा देंगे। ये जो जिसमें हम ये वाला वायर लगा लें होल्डर का, वो आपका उसी बटन से हो जाएगा। इस वाले होल्डर को लेंगे और वो हम इसके ऊपर वाले में लगा देंगे, ये देखिए हमने ऊपर वाले में लगा दिया। अब हम इस होल्डर का वायर लेंगे, इस होल्डर की ये देखिए हमने वायर लिया, इसका हम ये बीच वाली स्विच के ऊपर वाले में लगा दिया। अभी हमारे बोर्ड में सभी होल्डर के जो तार हैं एक एक ये आपके फेस के लग चुके हैं सभी, एक ये पॉइंट और एक आपका ये पॉइंट खाली रह गया। इस पर हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। इसके लिए देखिए आपका होल्डर का एक जो नहीं वायर बचा है, ये आपके दूसरे होल्डर का ये वायर बचा है, ये आपके तीसरे होल्डर का ये वायर है जो, और ये आपका चौथे होल्डर का ये वायर बचा जो, इन चारों को हम इस तरीके से छील लेंगे। ये दोस्तों ये सभी वायर न्यूट्रल हैं, इनको हम आपस में एक ही में मिला लेंगे इस तरीके से और एक वायर के टुकड़े को और लेंगे, एक वायर के टुकड़े को हम और लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इतना बड़ा लिया, इन सबको हम जोड़ के
ऐसे आपस में एक ही में जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद हम इस पर लगा देंगे टेप। इस तरीके से हमने लगा दिए टेप। अब आप देखिए दोस्तों कि हम दो लेंगे वायर जिससे इस बोर्ड में हम सप्लाई देंगे, इससे करंट देंगे। ये देखिए हमने ये दो वायर लिए, इन दो वायरों से हम इस बोर्ड में सप्लाई देंगे। तो ये देखिए हमने काले वाले वायर को न्यूट्रल को लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए दो वायर लिए, इनको हम इससे बोर्ड में इन्हीं दोनों वायरों से हम सप्लाई देंगे। तो एक वायर को ये देखिए लाल वाले वायर को हमने इसमें नीचे वाले में लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया। ये वाला वायर हम दोस्तों जो यहाँ लगाया है ये हम यहाँ पर भी लगा सकते थे, और इसी वायर को हम चाहते तो ये देखिए जो इनमें भी छीला हुआ ये तार डाला इनमें, इन किसी में भी ये वायर को लगा सकते हैं, यहाँ लगा दिया हमने। अब आप ये देखिए सप्लाई का आपका ये न्यूट्रल वाला वायर बचा है, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम एक वायर को इतने बड़े टुकड़े को हम ले लेंगे और इसको ऐसे करके जोड़ लेंगे। इस तरीके से जोड़ लिया और इसको हम इस वाले टर्मिनल पर यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए हमने सॉकेट के एक टर्मिनल पर लगा दिया। यहाँ पर लगाने के बाद इसी वायर को हम इस सॉकेट के एक टर्मिनल पर लाएंगे, तो इस पर हम इस वायर को हम एक वायर को और जोड़ लेंगे इतने बड़े, इसको यहाँ लगा देंगे इस सॉकेट के। इस सॉकेट पर लगाने के बाद अब इसी वायर को हम दोस्तों और ये जो आपके सभी होल्डर के एक वायर में हमने जो आप कन्वर्ट किए हैं सभी को जोड़ा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम छील के इसी के साथ जोड़ के इस वाले सॉकेट में लगा देंगे। ये देखिए इस वाले सॉकेट टू पिन सॉकेट के इस पर लगा दिया। अब दोस्तों हमारा ये बोर्ड बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। और आप ये देखिए ये आपका फ़ैन रेगुलेटर का वायर बचा है, तो उसका ये पंखे का ऊपर से वायर आया है, उसके लिए हम इसको एक वायर को इसमें लगा देंगे और इस पर भी हम टेप लगा देंगे। दोस्तों पंखे के दो वायर आते हैं, एक वायर न्यूट्रल का है वो हम इसमें जोड़ सकते हैं। अब आप ये देखिए हमारा ये बोर्ड बनकर तैयार हो गया। चार बल्ब का ये आपका बोर्ड है, चार बल्ब का ये आपका बोर्ड है। ये देखिए अब हम इसमें देते हैं करंट और इसको हम चालू करते हैं कि आपका इस स्विच से आपका ये बल्ब हुआ है और इस स्विच से ये बल्ब हुआ है, इस स्विच से ये वाला बल्ब हुआ है और ये वाला बल्ब इस स्विच से। ये देखिए आपके चारों बल्ब ये जल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम आपको चेक कराते हैं ये जो आपने सॉकेटों में कनेक्शन दिया है, ये देखिए ये आपका सॉकेट जो है इससे, ये देखिए आपका सॉकेट इस स्विच से है और ये वाला सॉकेट आपका इस स्विच से, ये देखिए आपका ये सॉकेट इस स्विच से है और ये आपका टू पिन सॉकेट इस स्विच से, ये इस स्विच से। अब आप ये देखिए कि ये वाला जो आपका 16 एम्पियर सॉकेट है उसके लिए यहाँ पे दोस्तों ये रबड़ लगी होती है। ये देखिए आप यहाँ पे ये रबड़ लगी होती, इसमें हम जब इस तरीके से इस रबड़ को हम ऊपर करते हैं, इस तरीके से ऊपर करते हैं तभी इसमें टू पिन प्लग लग पाता है, बाकी टू पिन प्लग इसमें घुसता नहीं। तो इसलिए इस रबड़ को ऐसे ऊपर कर लें, फिर उसके बाद इसको आप लगा सकते हैं। ये देखिए आपका इससे हो गया। तो हमने दोस्तों आपको तीन सॉकेट चार बल्ब का कनेक्शन करके बताया है। दोस्तों इसी हिसाब से बल्ब इसमें कनेक्शन किया जाता है, इसी हिसाब से बोर्ड में कनेक्शन किया जाता है। आप दोस्तों इसी हिसाब से अपने बोर्ड में कनेक्शन करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें और लाइट से संबंधित जानकारी को सीखते रहें।